नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को आपके सामने लेकर के आई हूँ जो कि अक्सर घर घर की कहानी होती है। हम अक्सर या तो अपने घर में या दूसरे के घर में या अपने नाते रिश्तेदारों के बीच में इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए या इस समस्या को बार बार जो है हम सुनते हैं, वो है पति पत्नी के बीच के मतभेद, उनके बीच में होने वाले झगड़े और आपस के टकराव। अब जब बात आती है झगड़ों की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वाद विवाद अगर छोटा सा है, वैचारिक मतभेद है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बार बार जैसे ही आपकी शादी हुई तो आपके बीच में झगड़े होना शुरू हो गया है, तो जरूरत है आप अवलोकन करें और कराएं और परामर्श लें कि कौन से ऐसे दोष हैं जिनके चलते हमारे गृहस्थ जीवन में अभी बसा भी नहीं है, उससे पहले ही झगड़े होने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आपका कोई परिचित जूझ रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जहां एक तरफ आपको ये बताऊंगी कौन से अशुभ योग होते हैं जिनके चलते वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं, वहीं मैं आपको उनसे जुड़े हुए उपाय भी बताऊंगी। तो बात करते हैं कि पति पत्नी के बीच छोटे छोटे झगड़े जो है वो बहुत ही आम बात होती है, लेकिन जब ये झगड़े बार बार होने लगे तो स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहे इसके लिए पति पत्नी के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के ग्रह दोषों की वजह से भी वैवाहिक जीवन में अशांति बढ़ सकती है। कुंडली के कुछ ऐसे योग जिनकी वजह से मैरिड लाइफ में विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए अब उनके बारे में जान लेते हैं। विवाह से पहले कन्या और वर के नामों से गुण मिलान किया जाता है। इस गुण मिलान में दोष हो तो बेडरूम में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, जैसे गण दोष, भकुट दोष, नाड़ी दोष, द्विद्वादश दोष। ऐसे दोष होने पर शादी के बाद अशांति के योग जो है वो स्वतः ही बनने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है और उसका मंगल दोष निवारण नहीं करवाया गया है, तो भी वैवाहिक जीवन में अशांति रहती है। मंगल व्यक्ति को अभिमानी और अड़ियल बनाता है, जिससे वाद विवाद ज्यादा होने लगते हैं। अगर पति या पत्नी में से किसी एक कुंडली में शुक्र जो है आपका नीच का हो या षष्ठम या अष्टम भाव में हो, तो झगड़े होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। कुंडली के सप्तम स्थान पर सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल में से किसी एक या दो ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये योग पति पत्नी के लिए अशुभ रहता है। कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति यदि अशुभ होकर सप्तमेश या सप्तम पर प्रभाव डालता है, तो झगड़ों की संभावनाएं बनती हैं। कुंडली में सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी छठे, आठवें या बारहवें भाव में हो, तो उससे भी झगड़े ज्यादा होते हैं। अगर पति या पत्नी की कुंडली में सप्तम भाव अशुभ ग्रहों से घिरा हुआ या सप्तम भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों से घिरा हो, तो मैरिड लाइफ में जो शांति है वो बिल्कुल भी बरकरार नहीं रहे। कुंडली के अशुभ ग्रहों के लिए उचित उपाय करते रहने चाहिए और शिव जी के साथ ही माता पार्वती की पूजा अवश्य करें और वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखने की प्रार्थना भी करें। हर गुरुवार ग्रह के लिए उपाय करना चाहिए। गुरु ग्रह के निमित्त चने की दाल का दान करें, केले के पौधे की पूजा करें। मंगल के लिए मंगलवार को भात पूजा करनी चाहिए। राहु केतु के लिए पीपल की सात परिक्रमा करनी चाहिए। इसके अलावा लाल किताब में ये भी व्याख्यान मिलता है कि यदि आपकी शादी जो है वो बिल्कुल टूटने के कगार पर है, यानी आपको लगता है कि संबंध विच्छेद यानी डिवोर्स के अलावा आपको कोई चारा नहीं नजर आ रहा है, तो ऐसे में भी आप अपने योग जो है शादी के टूटने के, उनका अवलोकन जरूर कराएं किसी ज्योतिषी के द्वारा। क्योंकि बहुत बार हमारी कुंडली में तलाक का योग नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जुदाई का योग होता है, और आपके लिए दूसरी शादी करना जो है ऐसी स्थिति में उचित नहीं होता, क्योंकि ऐसे में ना तो आपको दूसरे विवाह से सुख मिलता है और ना ही आपको संतान सुख मिल पाता है। तो यदि आपकी शादी बचाई जा सकती है,
उसके लिए भी कुछ ठोस उपाय जो है वो आपको कर लेने चाहिए। और उन्हीं में से जो एक सबसे प्रमुख उपाय है, लाल किताब कहती है कि यदि आपकी शादी बिल्कुल टूटने वाली है तो ऐसे में अपने जीवन साथी के साथ दोबारा से आप विवाह अगर करते हैं तो आपकी शादी को बचाया जा सकता है। साथ ही वास्तु से आप अपनी मैरिड लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं, आप अपनी लव लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने अपने वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और मैं आशा करती हूं कि आप जब इन बातों को समझेंगे कि किस तरह से ग्रह चाल जो है हमारी रिलेशनशिप पे असर डालती है, वास्तु हमारे रिलेशनशिप पर असर डालता है, तो यकीन मानिए धीरे धीरे ये छोटे छोटे उपाय जो है आपके जिंदगी में एक परिवर्तन अवश्य लेकर के आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपके एक छोटे से शेयर करने की वजह से किसी की शादी जो है वो टूटते टूटते बच जाए और किसी का घर जो है वो वापस से बस जाए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।